नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। हमास के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए इजरायली सेना से आए 2000 भर्ती आवेदन, 150 लोग पहुंचे, सबकी उम्र 26-39 के बीच। महाराष्ट्र शिवसेना की तरह मध्य प्रदेश में बढ़ गई है कांग्रेस। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब चुनावी जनसभाओं में भी देखने को मिल रही है दोनों दल एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। सियाचिन में अग्निवीर के तौर पर शहीद जवान के परिजनों को मिलेंगे 1,13,00,000। सेना के लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर ने बताया कि सियाचिन में ड्यूटी के दौरान अग्निवीर जवान गवते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। कमलनाथ की आवास के सामने भारी बवाल, पुलिस के रोकने पर भी नहीं मान रहे कार्यकर्ता। आज कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। शाहजहांपुर नर्मदापुरम जावरा विधानसभा के जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड मैच में बीजेपी कांग्रेस को किया करीब। जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर संग क्रिकेट देखते दिखे हिमाचल सीएम सुक्खू। भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला स्टेडियम में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को काफी हैरान कर दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई फैसले लिए। थाने में शराब खरीदने के लिए पैसे देने से किया मना तो शख्स को उतारा मौत के घाट, गिरफ्त में आरोपी। आपको बता दें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। अपने ही नियम से बची कांग्रेस, मध्य प्रदेश में 4 परिवारों के 1 से ज्यादा सदस्य को दिया टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची को लेकर विवाद थम रहा है। पार्टी के अपने नेता ही इसे लेकर विरोध जता रहे हैं। पार्टी ने कई परिवार के 3 लोगों को भी टिकट दिया। लॉकर खोलते ही निकलने लगे 500-500 के करारे नोट। खबर जयपुर से है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लॉकर ऐसे भी हैं जिनका नाम और पता गायब है। आयकर अधिकारियों ने कहा कि जब सभी लॉकर मालिक आकर अपने लॉकर नहीं खोल लेते तब तक जांच जारी रहेगी। हरियाणा में देश के सबसे बड़े रावण का दहन, 3 महीने में तैयार हुआ पुतला। पंचकुला में इस बार 170 फीट का रावण बनाया गया है। इसके साथ ही इस रावण के पुतले को बनाने के लिए करीब 20,00,000 रुपए का खर्च आया है। साल 2018 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब देश के सबसे बड़े रावण का दहन पंचकुला में किया जाएगा। इसराइल ने गाजा में 320 ठिकानों को बनाया निशाना। हमास का दावा, 70 लोगों की हुई मौत। गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के अधिकारियों ने कहा कि रात भर और सोमवार तड़के गाजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। पहले तेज और अब हामून का खतरा। अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान, 5 साल पहले हुआ था ऐसा। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव सोमवार तक और अधिक तीव्र होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके बाद अगले 3 दिन में बांग्लादेश और पास के पश्चिम बंगाल तटों तथा उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने का अनुमान है। तेजस्वी बोले सभी 5 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बयान दिया, कहा कि बीजेपी को हर चीज पर एतराज होगा। बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है और आपसी तालमेल भी बढ़िया है। ब्रिटेन के पीएम सुनक की सुरक्षा में बड़ी चूक, ऑनलाइन लीक हो गया पर्सनल मोबाइल नंबर। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो सुनक का मोबाइल नंबर ऑनलाइन लीक हो गया। अब यह नंबर सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। उनके प्रवक्ता ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में फुटओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा, क्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक ट्रक ललिता पार्क के पास पुस्ता रोड पर पहुंचा तो उस पर लोड क्रेन का एक हिस्सा फुटओवर ब्रिज से टकरा गया जिससे वह दह गया। राजस्थान में ईडी के छापों पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, कहा बीजेपी कर रही दुरुपयोग। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा राजस्थान में छापों पर सीएम अशोक गहलोत ने टिप्पणी की है। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपाइयों ने पुकारा अपने ही प्रत्याशी का पुतला, बोले भड़ाना नहीं तो पिछली बार बीजेपी को हरवाया था। राजस्थान में बीजेपी के लिए गुटबाजी के बाद एक और नई समस्या सामने आ गई। यहां प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कार्यकर्ता ही उनका विरोध करने लगे।
मराठा आरक्षण पर कार्यकर्ता ने की आत्महत्या, अब सीएम शिंदे ने की अहम अपील, जारी किया बयान। मनोज दारांगे पाटिल ने घोषणा की है कि अगर 24 अक्टूबर तक मराठा आरक्षण का ऐलान नहीं किया गया तो वह 25 अक्टूबर से वो अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू करेंगे। सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, पांव पखारे, तिलक और लाल सुंदरी ओढ़ाकर लिया आशीर्वाद। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी खुद इस बात का ख्याल रख रहे थे कि किसी तरह की कमी ना हो, वो खुद भी कन्याओं को भोजन परोसते दिखे। कैटरीना संग लेके प्रभु का नाम पर खूब नाचे सलमान खान, अरिजीत सिंह के गाने में दिखी टाइगर की रोमांटिक केमिस्ट्री। टाइगर 3 के रिलीज का फैंस भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म सिनेमाघरों में इस दीपावली पर रिलीज होगी। फिलहाल मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना लेके प्रभु का नाम रिलीज कर दिया है। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।